वेलकम टू माय क्लास एनएल डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं बाय डिवन मेथड। तो डिवन मेथड से जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है ना, तो जो नंबर गिवन है वो हमने इस तरह से राइट कर लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये काम करते हैं कि ना, जब सिंपल डिवन होता है वहां पे हमें डिवाइडेंड भी गिवन है, डिवाइजर भी, कि जो अंदर रखना है जो बाहर रखना है सब कुछ गिवन है, दोनों सिंपल हम डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिवाइजर तो गिवन ही नहीं है, जस्ट हमें हमारे पास एक नंबर गिवन होता है उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, डिवाइडेंड होता है ना वो। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर हम ये करते हैं कि ना ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए हमने डिवाइजर क्या लेना है ना, खुद से जो लेना होता है ग्रुपिंग कर लेते हैं राइट साइड से। टू डिजिट्स का ग्रुप, टू डिजिट्स का ग्रुप, और ये वन अकेला ही रह गया। ठीक है, जितने भी डिजिट्स है ना आपने टू टू की ग्रुपिंग करनी है राइट साइड से। ठीक है, लेफ्ट से नहीं करनी, राइट से करनी है। अच्छा जी, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, और ये अकेला ये वन। हमें पता चल गया कि हमने स्टार्ट में 15 को सॉल्व नहीं करना, वन अकेला है तो वन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, अब रूल एक और होता है, ग्रुपिंग कर ली वो रूल हो गया। ठीक है, माइंड में रख लो कि एक रूल ये हो गया। नेक्स्ट रूल ये होता है कि जो यहाँ पे लेना है ना नंबर, वही यहाँ पे लेना। फॉर अभी इसको इग्नोर करो, अभी तो हम इसको देखेंगे स्टार्ट वाला डिजिट को। ठीक है ना, यहाँ पे ले रहे। अच्छा, रूल ये होता है कि जो हमने यहाँ पे लेना है वही यहाँ पे लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे टू लूँ तो मुझे यहाँ पर भी टू ही लेना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे टू ले रही हूँ तो यहाँ पे थ्री ले रही हूँ, या फोर ले रही हूँ कुछ और ले रही हूँ। यहाँ पे वन है तो यहाँ पर भी वन है, यहाँ पे टू ले रही हूँ तो यहाँ पर भी टू, थ्री है तो थ्री। अब इसको अभी ना देखो, ठीक है ना, तो वन यहाँ पे लिया, वन यहाँ पे, बिकॉज मुझे वन ही की जरूरत थी, वन ही मुझे, मैंने वन को सॉल्व करना है ना, तो वन की जरूरत थी, तो मैंने यहाँ पर भी वन, यहाँ पे भी वन, वन इंटू वन वन आ गया। अब सिंपल डिवीजन में भी होता है, स्टेप के बाद मल्टीप्लाई के बाद हम सब्ट्रैक्शन कराते हैं, तो हमने क्या कर लेना, सब्ट्रैक्ट करा लेना, वन में से वन जीरो आता है, जीरो स्टार्ट में राइट करो ना करो, हम इग्नोर कर देंगे जीरो को। अच्छा, एक और रूल होता है कि जितना ग्रुप जितना बना हुआ है ना, वो आपने ग्रुप पूरा उतारना होता है। सिंपल डिवीजन में तो हम वन वन डिजिट उतारते सॉल्व करते जाते, इसमें ग्रुप पूरा उतारते नीचे। ठीक है, ग्रुप उतार लिए नीचे, आप क्या कर, नेक्स्ट ये रूल है कि जो यहाँ पर है, ठीक है, डिजिट नंबर, वो ही आपने क्या करना है, उसमें उसी को ऐड करके यहाँ पे राइट कर देना। तो वन वन में ऐड करो वन, तो टू आ जाएगा। ठीक है, टू ले लिया, टू के साथ हमने ऐसा कौन सा डिजिट लेना है जो यहाँ पर भी ले मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 51 की क्लोज क्लोज आ जाए। तो हम टू के साथ, टू कैसे आया, इसमें इसी को ऐड करके टू आ गया। अब साथ ही वाला टू कैसे लिया, कि अगर हम टू के साथ टू ले लें 22 बन जाएगा। 22 को टू से अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे टू लिया तो यहाँ पर भी वही टू लेना है, तो 22 यहाँ पे टू लिया तो यहाँ पे भी टू, तो 22 टू टाइम्स 44 हो गया। ठीक है, अगर हम थ्री लेते तो यहाँ पर भी हमें थ्री लेना पड़ना था, तो 23 थ्री टाइम्स वो बड़ा हो जाना था 51 से, तो हमें 51 की क्लोज चाहिए था, मतलब से छोटा या उसके क्लोज, बड़ा तो नहीं चाहिए था ना। तो 22 × 2 = 44 आ गया, माइनस किया तो 7 आ गया। अब 29 जो ग्रुप है उतारा नीचे। अब आपने क्या करना है कि ये फर्स्ट डिजिट वैसे राइट कर लेना है, और इसमें क्या करना है, अब इस वाले में इसी को ऐड करना है, तो टू में टू ऐड किया 4 आ गई। ठीक है, फर्स्ट वाले को वैसे, इसमें कोई चेंज नहीं करना, इसमें इसी को ऐड करना है, तो 4 आ गए। अब हमने 4 के साथ कौन सा ऐसा डिजिट लेना है जो यहाँ पर भी लें, और 243 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हम करें, कि 729 हमें चाहिए था ना, तो हमने सोचा कि 24 तो था, कैसे ये वैसे आ गया, इसमें इसी को ऐड किया तो 4 आ गया। अब 24 के साथ हम क्या लें जो यहाँ पर भी लें, यहाँ पर भी लें, मल्टीप्लाई करें तो 729 आ जाए। तो 24 के साथ 3 ले लें अगर, तो यहाँ पर भी 3 ले लें तो 243, ठीक है, 3 × 729 होता है, तो ठीक है, ओके हो गया, कुछ भी नहीं बचा। लास्ट आंसर ऐसे राइट करो कि स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं ना जिस नंबर का, तो स्क्वायर रूट राइट करो उसमें ये नंबर राइट कर। ठीक है, 15129 दिखाती भी हूँ, इक्वल्स टू, और आंसर क्या आना है जो कि क्वेश्चन में है 123। जैसे यहाँ पर देखो ये बोल रही हूँ कि जो नंबर है ना जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, उसके लिए भी डिवन के लिए भी है। लास्ट पांच से इस तरह राइट करना है, जो नंबर गिवन है ना स्क्वायर रूट के अंदर राइट करो। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है जो आंसर है, तो आपने भी सेम करना है कि 15129 जो नंबर है उसको स्क्वायर रूट के अंदर राइट करो। इक्वल्स टू कैसे आ जाएगा आपके पास आंसर, जो आपके पास आया 123 क्वेश्चन में वो आंसर। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं भी समझ आई इस तरह से, तो अगर आपने साथ साथ सॉल्व होते हुए देखना है तो आप वो मेरी वीडियोस देख सकते हो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से। स्क्वायर रूट बाय डिवन मेथड पे भी है, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे, उसमें मैंने हर एक स्टेप को सॉल्व करते हैं जैसे सॉल्व करके सिखाया है। ठीक है, अगर इसमें भी कोई समझ नहीं आया मुझे कह सकते हो, वीडियो चाहिए और इस पर या प्लेलिस्ट चाहिए तो मुझे कह सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।